गाइस, ये फिश देखिए, ये अरिया फिश है, अरिया फिश का बच्चा है। और ये जो होता है ये देसी फिश है, हम लोग का यहाँ का सीमांचल का, किशनगंज सीमांचल का देसी फिश है। और ये है देखिए, ये पूरा देसी फिश है और खाने में बहुत अच्छा लगता है देसी फिश। ये बर्फ़ का फिश नहीं है। देसी फिश को मैं आज बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप सबको, इसका रेसिपी दिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है और मैं किस हिसाब से बनाती हूँ। तो आप लोग अच्छे से देखना गाइस और मेरे हिसाब से फॉलो करना। तो सबसे पहले इस फिश में हमें टेस्ट मुताबिक नमक डाल देना है और हल्दी डाल देना है। इसे फ्राई करने के लिए हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है नमक हल्दी से। और जितना अच्छे से मिक्स करोगे उतना ही अच्छा होता है। और अच्छे से मिक्स करने से हल्दी नमक फिश के अंदर तक जाता है और फिश में नमक घुसता है, और फिश में नमक घुसना ज़रूरी है। देखिएगा इस, मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्राई करने के लिए। अब इसे मैं फ्राई करूंगी। अब आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। गाइस, आज मैं बनाऊंगी फिश जो मैंने आप सबको पहले दिखाया है। ये देसी फिश है, ये अरिया फिश है और साथ में एक छोटी मछली भी है, छोटी फिश है साथ में, ये भी देसी है। और देसी फिश बहुत कम मिलता है गाइस। और आज मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे तो देसी फिश लेके आए थे, तो उसी को वो बनाने बोले कि आज बनाओ पोस्तदाना से बनाओ। तो पोस्तदाना मैं पिसवा के लेके आई हूँ। देखिए ये पोस्ता है, पोस्तदाना मैं ग्राइंड कर ली हूँ। अब इसी से मैं ये फिश बनाऊंगी। और मैं कैसे बनाती हूँ, मेरा फिश बनाने का तरीका कैसा है, आप लोग देखना गाइस और मेरे हिसाब से फॉलो करना। तो गाइस देखिए, मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ये छल्ले। अब इसे गर्म होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। अब मैं बनाते जाऊंगी, आप सबको दिखाते जाऊंगी और आप सब देखते जाना और मेरे हिसाब से फॉलो करते जाना। तो देखिए गाइस, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल लेके आ रही हूँ। तो देखिए सरसों ऑयल मैंने डाल दिया है। और सरसों ऑयल से बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है, और सरसों ऑयल से ही मैं बनाती हूँ। और आप लोग चाहे तो दूसरा ऑयल से भी बना सकते हो। तो ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देना होगा, उसके बाद हमें इसमें फिश डाल देना होगा फ्राई करने के लिए। यहाँ पे देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, देखिए धुआं उड़ रहा है। तो अब हमें फिश डाल देना है। इधर देखिए गाइस, मैंने प्याज को कट करके रख दिया है, एक टमाटर को कट कर लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च को कट कर लिया है। इसको भी इस्तेमाल होगा फिश बनाने के लिए। गाइस देखिए, मैंने फिश को चढ़ा दिया है फ्राई करने के लिए। यहाँ पे कढ़ाई है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कढ़ाई। और यहाँ पे मैं प्याज मिर्चा टमाटर को कट करके रखती हूँ। और अब देखना पड़ेगा कि फिश मेरा हुआ है कि नहीं एक तरफ, लेकिन अभी नहीं हुआ है। कम से कम एक तरफ होने में 2 से 3 मिनट लगता है। एक तरफ होगा उसके बाद हमें उसे उलाट देना है। तो गाइस देखिए मैं कैसे कैसे बनाते जा रही हूँ, आप लोग देखते जाइए। और बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, मैंने चिमनी ऑन नहीं किया है। चिमनी ऑन करने से आप लोग को सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैंने चिमनी ऑन नहीं किया है। और इस गर्मी में भी मैं खाना बना के आप सबको दिखा रही हूँ। गाइस आप लोग अच्छे से फॉलो करना, बहुत अच्छे से प्यार देना ताकि मेरा ब्लॉग आगे तक जाए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगी ब्लॉग बनाने में। आप लोग ध्यान देना गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करना, आप लोग मुझे अच्छे से फॉलो करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मैं किचन में अभी हूँ, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और देखिए मेरा किचन में सब प्लेट वगैरह ये सब है, पूरा गंदा भी हो गया। अब मुझे किचन को साफ़ सफाई करना है, बहुत दिन से साफ़ सफाई नहीं की हूँ। और जिस दिन किचन साफ़ सफाई करूँगी
जरूर ब्लॉग बना के डालूंगी, आप लोग देखना गाइस। बहुत दिन से सोच रही थी कि किचन को साफ करना है, घर को तो साफ कर ली हूँ और किचन को साफ करना है। किचन को साफ करने के बाद फिर मैं आप सबको ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। और इधर देखिए गाइस, इधर देखिए यहाँ पर फ्लावर रहता है, फ्लावर स्टैंड, तो सारा फ्लावर को मैंने धो दिया था, तो सारा फ्लावर यहाँ पे है, देखिए धो के लाई हूँ। ये सबको सेट करना है, जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पर सेट करना है। उधर रहता है एक कोना में, उधर ऊपर रहता है, तो अभी ये सब क्लीन करना है मुझे। अभी क्लीन नहीं की हूँ, पूरा क्लीन करके ये सब सजा देना है। पर्दा भी खोल दिया है, पर्दा को भी धो दिया है, तो पर्दा को भी सेट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे पर्दा भी लगा हुआ नहीं है, तो पर्दा सब धो के सारा पर्दा इधर रखी हूँ, देखिए धो के सुखा के सारा पर्दा इधर रखा गया है, तो सारा पर्दा को फिर सेट करूँगी। सारा पर्दा को मुझे सेट करना है। और मैं हफ्ता 10 दिन में मेरा आदत है धोने का और साफ़ सफाई करने का, इसीलिए मैंने पूरा साफ सफाई अब क्लीन अभी नहीं किया है, तो सारा क्लीनिंग करके अच्छे से डस्टिंग करके उसके बाद फिर सब कुछ मुझे सेट कर देना है। अब इधर देखती हूँ कि हुआ है कि नहीं, उलाट देना है, हो गया है। ये सब बहुत फटता है गाइस, तो इसलिए मुझे ढक के रखना पड़ता है। ढक के इसलिए रखती हूँ ताकि फेस पे आके नहीं गिरे। देखिए गाइस, इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है, ज़्यादा लाल करके फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई कर लेना है। तो इसको मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ और दूसरा जो फिश है वो मैं डाल दूँ। इसको भी ढक देना है क्योंकि फटता है ये सब मछली, तो इसलिए ढक देना अच्छा रहता है। तो देखिए गाइस, ये सब भी फिश फ्राई हो चुका है और अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि देसी फिश है ना, देसी फिश को थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करके तब उठाना चाहिए। तो देखिए मैंने सारा फिश को फ्राई कर लिया, फ्राई करने के बाद सारा फिश को मैंने निकाल लिया और देखिए सारा फिश मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। बाकी जो बचा ऑयल है उसमें मैं थोड़ा सा जीरा फ़ौरन डाल दूँगी और थोड़ी देर बाद इसमें कट की हुई प्याज को हमें डाल देना है और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए गाइस, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमें जो कट के एक टमाटर को मैं रखी हूँ, उस टमाटर को इस प्याज में हमें डाल देना है और टमाटर और प्याज को हमें एक साथ फ्राई करना है। और फ्राई करते करते प्याज और टमाटर जब तक लाल नहीं हो जाए और टमाटर जब तक गल नहीं जाए, तब तक प्याज और टमाटर को एक साथ हमें भूनना है। देखिए गाइस, प्याज और टमाटर एक साथ भूनते भूनते प्याज भी लाल हो गया और टमाटर भी हल्का गल गया है और 80% टमाटर गल गया। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डाल के दोनों को, प्याज और टमाटर को थोड़ा सा गला लेना पड़ता है। तो प्याज और टमाटर को एक साथ हमें गला लेना है, उसके बाद टेस्ट मुताबिक हमें नमक डाल देना है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देना है, इसके बाद हमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। और ये मैं रेडीमेड खरीद के रखती हूँ और देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये। और इसके बाद सबको एक साथ हमें छन्नी के सहारे मिला देना है और सबको एक साथ सारे मसाला को एक साथ हमें भूनना है। देखिए गाइस, मसाला को मैं अच्छे से भून चुकी हूँ और देखिए चारों ओर से ऑयल रिलीज़ हो चुका है। ऑयल रिलीज़ होने का मतलब मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमें जो ग्राइंड करके पोस्ता दाना रखी थी उसको हमें डाल देना है और जो बाकी बचा हुआ है कटोरा में उसको भी हमें धो के इसमें डाल देना है।
अब इसको छन्नी के सहारे हमें थोड़ा सा चला देना है और उसके बाद कलर आने के लिए इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमें डाल देना है करीब एक चम्मच। आप लोग अगर अंदाज मुताबिक डाल सकते हो तो डालना, नहीं तो चम्मच के सहारे डालना। मुझे अंदाज आता है तो मैं अंदाज मुताबिक ही डालती हूँ। अब इसे ऑयल रिलीज़ होने तक इस मसाले को हमें अच्छे तरह से भूनना है और चलाते हुए भूनना है। जितना अच्छे से भूनोगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। देखिए गाइस, मसाला हमारा भून चुका है और देखिए चारों ओर से ऑयल रिलीज़ हो चुका है। इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देना है। जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डालना चाहिए गाइस। आप लोगों को अगर कम ग्रेवी चाहिए तो कम पानी डालना, अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालना। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा पतला ग्रेवी होने से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं उनके हिसाब से मैं बना रही हूँ। इसीलिए ग्रेवी थोड़ा पतला होने के लिए मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया है। अब मैं नमक टेस्ट करके देख रही हूँ कि नमक हुआ है कि नहीं, तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें टेस्ट मुताबिक नमक डाल रही हूँ। आप लोग को जिस हिसाब से नमक चाहिए उसी हिसाब से डालना। कम खाते हो तो कम डालना, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालना। अब इसमें मैं 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दूँगी, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसे मैं ढक दूँगी, एक उबाल आने तक इसे हमें ढक के रखना है। तो देखिए गाइस, ढक्कन हटा के देखना है कि उबाल आया है कि नहीं, तो उबाल आ चुका है। अब जो फ्राई किया हुआ फिश था, सारा फिश मैं इसमें डाल दूँगी एक एक करके, और सारा फिश डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला देना है। चलाने के बाद इसको ढक के थोड़ा सा कुक करना है, थोड़ी देर हाई फ्लेम पर ही कुक करना है, और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें छोड़ देना है। और उसके बाद फिर फ्लेम को, चूल्हा का फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ करके देखिएगा कि फिश हमारा रेडी हो चुका है। तो देखते जाइए गाइस, फॉलो करते जाइए कि कैसे कैसे मैं बना रही हूँ, किस हिसाब से बना रही हूँ। और देखिए उबाल आ चुका है। उबाल आने का मतलब कि अब हमारा फिश इसी में पकेगा। और फिश को थोड़ा सा हल्का सा गलने से अच्छा होता है, तो ज़्यादा नहीं गलाना है, ज़्यादा गलने से फिर इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसी तरह से मैं अपना फ़िश बनाती हूँ, जो देसी फ़िश है। देखिए गाइस, फ़िश और ग्रेवी बहुत ज़्यादा उबल चुका है और इसको अभी हमें थोड़ा सा चला देना है छलनी के सहारे। चलाने के बाद अब इसको ढक देना है। ढक के हमें 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। तो देखिए मैं ढक रही हूँ, इसी हिसाब से आप लोग भी करना गाइस। तो देखिए गाइस, मेरा फ़िश बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और खाने के लिए भी रेडी हो गया है। अब मैं इसको आप सबको डिस आउट करके दिखाती हूँ। एकदम मेरा फ़िश खाने के लिए रेडी हो गया। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा फ़िश। देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में और कितना खूब अच्छा लगेगा। तो देखिए गाइस, मैंने फ़िश को डिश आउट कर दिया है। एक बॉल में मैं फ़िश को डिश आउट कर चुकी हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फ़िश का जो ग्रेवी है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि ग्रेवी जो है मैं ज़्यादा ही दी हूँ। ग्रेवी इसलिए ज़्यादा दी हूँ कि आपको मैं बताई कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो उन्हीं के हिसाब से मैं ग्रेवी डाली हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा होना चाहिए। फ़िश, कोई भी फ़िश बनाओ थोड़ा सा ग्रेवी होना चाहिए उनके लिए। तो ग्रेवी के लिए मैंने फ़िश में पानी ज़्यादा डाला था। तो आप लोग को अगर ग्रेवी नहीं चाहिए तो ज़्यादा, तो थिक ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा कम पानी डालना। तो इसी हिसाब से मैं अपना फ़िश बनाई हूँ। देसी फ़िश है ये, अरिया फ़िश है, और अरिया फ़िश का बच्चा है। तो उसी को मैं किस हिसाब से बनाई आप सबको दिखाई, आप सब देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो करिए। खुद खाइए, दूसरे को खिलाइए, बच्चे को भी खिलाइए, उंगलियां चाट के खा जाएंगे। तो देखिए गाइस, जो जो फ्लावर्स को मैंने धो के सूखने दिया था, सब कुछ रेडी कर दिया है, सब सेट कर दिया है। ये जो है ये फ्लावर, इसको भी सेट कर दिया है, इस बास में भी सेट कर दिया है। सब फ्लावर को एक एक करके मैंने सारा बास में फिट कर दिया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से मैं अपना सब काम करती हूँ। जैसे जैसे मैं कुछ भी करूँगी, जो जो करती हूँ घर में, जो क्या क्या करती हूँ, सब मैं आप सबको दिखाऊँगी ब्लॉग के ज़रिए। तो आप लोग देखिएगा गाइस। और गाइस, मेरा ब्लॉग यहीं तक है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना गाइस। जो अब तक मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस मेरा ब्लॉग यहीं तक है, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। गाइस टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। सारे पर्दे को मैंने तह करके रख दिया है, अभी बाद में सेट करूँगी क्योंकि अभी बहुत थक गई हूँ। मैं सेट नहीं करूँगी विंडो में, तो जब सेट करूँगी तब मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो अभी मैं तह करके ऐसे ही रख दी हूँ।